वाले कि आप लोग YouTube हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर पाएंगे। पहले 18 में आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से यहाँ पे आपको डिलीट हिस्ट्री का ऑप्शन, यहाँ पे YouTube ऐप्स ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद उसके बाद यहाँ पे लोगो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। लोगो वाला ऑप्शन क्लिक करके उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, तो सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। सेटिंग वाला ऑप्शन क्लिक करके उसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सारा फीचर यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोग देखते हैं जूम आउट जूम इन, उसके बाद सारा फीचर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हिस्ट्री एंड डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे दिखता था लेकिन यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है। मैनेज ऑल हिस्ट्री का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद उसको जो भी जीमेल आईडी से इस समय आपका यूट्यूब चैनल है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल इंट्रोडक्शन सब कुछ यहाँ पे आप लोग इस पर क्लिक करके सब कुछ देख सकते हैं, हिस्ट्री कंट्रोल सब कुछ फैसिलिटी वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कैसे डिलीट करना वो भी जान लीजिए। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद उसको यहाँ पे सारा आपका हिस्ट्री दिख जाएगा, सारा वीडियो जो वॉच किए रहेंगे वो भी दिख जाएगा, सारा हिस्ट्री जो आप लोग सर्च किए रहेंगे सारा वो भी दिख जाएगा, सारी चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक ऑप्शन आपको दिख रहा है डिलीट का, तो डिलीट वाला ऑप्शन क्लिक करें। डिलीट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिलीट टुडे मतलब आज का यहाँ पे डिलीट करना चाहे तो इस पर क्लिक करके आप लोग डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कब से कब तक डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिलीट ऑल टाइम का ऑप्शन दिख रहा है तो सारे को डिलीट करना चाहे तो इस पर क्लिक कर लेंगे। हमें सारे को डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने यूट्यूब पे और आपको लाइव दिखाते हैं कि ये जो मैं डिलीट किया हूँ। यहाँ पे सर्च बॉक्स पे क्लिक करते हैं, उसके बाद देख सकते हैं कोई भी हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे नहीं है, तो इस तरीके से डिलीट कर पाएंगे।